हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, ले आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी, धमाकेदार इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, वन शॉट लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर कराएंगे। सो अपना पेन और पेंसिल लेके बैठ जाओ, देन स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों क्या इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, किसकी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम लोगों के दिमाग में क्या चल जाती है, बत्ती। क्या चल जाती है, बत्ती चल जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या मेरे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इन अ प्रॉपर मैनर। बच्चों एक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। एक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना बच्चों क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। समझे? तो बच्चों वन बाय वन हम लोग अगर थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों जिसमें आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन बच्चों आप लोगों को लर्न होगी होगी ओरली मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना। और हम जो इसमें देखेंगे बच्चों वो हम देखेंगे क्या, फ्रिक्शन के बारे में बच्चों। किसके बारे में, फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, व्हेन रब्ड विद द टू बॉडीज, जब आप किसी भी दो बॉडीज को रब करते हो इनटू ईच अदर, तब आपका कम्स इन नोटिस ऑफ फ्रिक्शन बच्चों। तब क्या नोटिस में आता है बच्चों, फ्रिक्शन नोटिस में आता है। क्या नोटिस में आता है, फ्रिक्शन। जब भी आप अगर कभी भी दो बॉडीज को रब करते हो, कभी भी आप दो बॉडीज को क्या करते हो बच्चों, रब करते हो, उस टाइम पर उसमें चार्ज जनरेट होते हैं बच्चों, है ना। और उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं बच्चों, फ्रिक्शन से इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए बताएंगे, जैसे कि आप लोग एक ग्लास रॉड ले लो, ठीक है, एक सिल्क का पेपर ले लो आप लोग, या कपड़ा ले लो आप लोग, क्लोथ ले लो, ठीक है। जब आप उसको रब करोगे तो रब करते टाइम पे बच्चों उसमें चार्ज जनरेट होंगे, ठीक है। और चार्ज में जो मूविंग चार्ज होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके रॉड पे से निकल के बच्चों सिल्क क्लॉथ पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चों रॉड पर आपके चार्ज सिर्फ कैसे रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। और आपकी जो ग्लास रॉड होगी वो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो आपका सिल्क का क्लॉथ होगा वो बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किस तरीके से होगा ये प्रोसेस, लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन में हमें क्या देखना है, व्हेन टू बॉडीज, जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हो, क्या करते हो बच्चों, व्हेन टू बॉडीज रब्ड आर रब्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, देन तब क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन कम इनटू नोटिस बच्चों, कम्स इनटू नोटिस। तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक जैसे कि ग्लास रॉड है आपके पास बच्चों, कोई ये आपकी ग्लास रॉड है बच्चों, है ना, क्या आपके पास है, ग्लास रॉड है, ठीक है। ये ग्लास की रॉड है आपके पास, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ये क्या बच्चों आपकी ग्लास रॉड, ठीक है। इज रब्ड विद सिल्क, जब आप इसको रब्ड करोगे किसके साथ में, ये आपका एक कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का बच्चों, है ना। इसके साथ जब आप रब करोगे इसको, तो आपके पास क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, पहले आपके इस पे जो चार्ज होंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, भाई देखो रब कर रहे हो तो आपके चार्ज जनरेट होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज होंगे बच्चों, वो आपके कहाँ फ्लो कर जाएंगे, सिल्क के कपड़े पर, जिसके वजह से सिल्क के कपड़े पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, बात समझे। और आपका आपका रॉड पर से चार्ज कैसा रहेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। देखो कह रहा है आपसे, देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन कहां से रह जाएंगे, सिल्क। देयरफॉर जिसकी वजह से ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से ग्लास रॉड में बच्चों कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एंड सिल्क विल एक्वायर नेगेटिवली चार्ज, बट सिल्क के कपड़े पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज, बात समझे। तो इतनी सी बात है, ध्यान से सुन लो आप लोग, है ना, ध्यान से सुन लो, इतनी सी बात, छोटी सी बात है। जब भी आप कभी भी दो बॉडीज को रब करते हो आपस में, कभी बॉडी को क्या करो, रब करोगे बच्चों, आपने एग्जांपल ऐसा, जैसे कि आप अपने हाथों को भी अगर रब करते हो एक टाइम तक, तो आप देखते हो कि अगर आपकी जो पाम है बच्चों, एक टाइम पर गर्म हो जाती है ना। क्यों गर्म हो रही है भाई, तो रब करते टाइम में बच्चों यहां पर क्या जनरेट होते हैं बच्चों, चार्ज जनरेट होते हैं। चार्ज किस तरीके के बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, जो कि इलेक्ट्रॉन का रोल कर रहे हैं, वो बच्चों मूविंग चार्ज होते हैं, ठीक है, जिनमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। यही कारण है कि आपकी जो हीट होती है, आप नॉर्मली जैसे आयरन हो गया आपके पास, ठीक है, कोई भी आपका लोहे का टुकड़ा हो गया, अगर वो एक हिस्से पे गर्म होता है तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपने देखा होगा, मान के चलो आपके किचन में
किचन में आप खाना पका रहे हो, ठीक है, और कभी कभी हमारी जो मम्मी होती हैं वो कभी कभी जो चमचा होता है आपका, आपका जो स्पून होता है आपका, चम्मच ले लो, चमचा ले लो आप लोग, है ना, एज इट इज, जो एज ए विश आपकी, है ना, तो जब भी आप ऐसा उसको आप एज ए वहाँ पे रख देते हो या कढ़ाई में छोड़ देते हो, तो आप देखते हो कढ़ाई में उसका आगे का हिस्सा डूबा हुआ होता है, लेकिन पीछे का हिस्सा जैसे आप पकड़ते हो वो भी गर्म हो जाता है बच्चों, है ना, लेकिन ऐसा बच्चों लकड़ी के साथ में नहीं होता है। अगर आप लकड़ी का टुकड़ा अगर आगे आग जल भी रही है उसमें, तो आप पीछे से होल्ड कर सकते हो, क्यों बच्चों, क्योंकि आपके लकड़ी में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है बच्चों, है ना, जबकि अगर हम लोग अगर लोहे की बात करेंगे तो बच्चों उसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, है ना, तो उसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, प्लस हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पीछे तक की चीज भी कही जाती है गर्म हो जाती है, जब तक कि वो जबकि वो किसी भी हीट के कॉन्टेक्ट में नहीं होती फिर भी, ठीक है बच्चों। तो ये होता कुछ आपका फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, है ना, तो फ्रिक्शन देख लिया हमने, प्लस अब हम लोग देखें अगर तो बच्चों हम लोग एज एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कूलाम, बच्चों साइंटिस्ट थे इनका नाम था कूलाम, जिन्होंने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था बच्चों, है ना, तो कूलाम वॉज द वन सबसे पहले साइंटिस्ट थे हु गेव द इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्ज, जिन्होंने सबसे पहले बच्चों किसके बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताया, तो बच्चों इन्होंने क्या बताया चार्ज के बारे में, तो इन्होंने चार्ज के बारे में देखो बच्चों क्या बताया, इन्होंने बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बच्चों दो तरह के चार्ज होते हैं, इन्होंने क्या बोला कि चार्ज हमेशा कितने के होंगे बच्चों, दो तरह के, एक कैसे होंगे बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, एक कैसे होंगे नेगेटिवली चार्ज बच्चों, है ना, एंड इट इज डोनेटेड बाय द क्यू, और किससे इंडिकेट करेंगे हम लोग बच्चों कैपिटल क्यू से, ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ कूलाम, और उसकी यूनिट बच्चों क्या होगी कूलाम, इन्होंने अपने सरनेम पर ही, इनका जो सरनेम था कूलाम उस पर ही इन्होंने इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट से इंडिकेट कर दिया बच्चों, और चार्ज क्या दे दिया क्यू, तो ध्यान रखना आप लोग चार्ज का जो सिंबल होता है क्यू होता है, यूनिट बच्चों क्या होती है कूलाम होती है बच्चों, न्यूमेरिकल पोर्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पार्ट है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मैन कैप्ट अ क्रिएट, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक किसी भी स्मॉल एरिया में रखते हो, ठीक है, तब आपका क्या बनाता है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड, सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। देखो सुनो, जब भी आप किसी भी आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट को अगर आप अगर किसी फील्ड में रखते हो, तो बच्चों अपने सराउंडिंग में वो एक ऐसा एरिया जनरेट कर लेता है जिसके कांटेक्ट में अगर कोई भी बॉडी अगर आएगी तो वो उसकी तरफ बच्चों क्या होगी अट्रैक्ट होगी, ठीक है, जिस तरीके से आपके पास मैग्नेट होती है आपकी मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट में आपने देखा होगा अगर मैग्नेट रखी हुई है अगर उसके कॉन्टेक्ट में अगर लोहे का पार्टिकल थोड़ा बहुत ही पास आता है तो वो अपनी तरफ उसको अपने आप खींच लेती है बच्चों, है ना, इसी जो स्पेस होता है दोनों के बीच में जहां पे आपका एज इट इज उसको खींचने की पावर आपकी दिखती है, उस एरिया को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से इंडिकेट करते हैं कि हाँ हम कह सकते हैं कि इसका क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड है। जैसे कि देखो मैं आपका यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ या फिर ये मार्कर है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक इतने दूर पे है, अगर इतने एरिया में अगर कोई भी लोहे का पार्टिकल अगर कॉन्टेक्ट में आएगा तो बच्चों इस तरफ क्या हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा करके अट्रैक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है, तो बच्चों उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, सम चार्ज रिपेल एंड द अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, बच्चों ये तो सत्य है यार, अगर देखो आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे तो बच्चों इसको क्या करेंगे रिपेल करेंगे, बच्चों क्या करते हैं रिपेल, एक दूसरे को अलग करते हैं बच्चों। अब ऐसा होता क्यों है, तो बच्चों वो हमारे अर्थ कोर में प्रेजेंट बाय जो मैग्नेट आपके उसके से आपका इंडिकेट होता है ये चीजें, ठीक है, सेम चार्ज बच्चों क्या करते हैं रिपेल एंड द अपोजिट चार्ज बच्चों क्या करते हैं अट्रैक्ट, क्या करते हैं अट्रैक्ट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, तो अपोजिट चार्ज दे हैव टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड द सेम चार्ज दे हैव टू बी रिपेल टू ईच अदर, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को कि इस तरीके से आपके चार्जेस जो होते हैं आपके वो वर्क करते हैं, क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, तो हमारे पास चार्ज का बच्चों क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ चार्ज तो बच्चों चार्ज का क्या होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम लोग बच्चों इंडिकेट करते हैं किससे, क्यू इज इक्वल टू एनी से बच्चों इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों क्यू क्या है, क्यू तो आपका क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज है बच्चों, क्या आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया आपका, ठीक है, क्यू। एन क्या हो गया बच्चों आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन क्या हो गया बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, ठीक है, जबकि आपका जो ई है उसके बच्चों वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को कुछ कहते हैं क्या करते हैं बच्चों इंडिकेट करते हैं। अगर आप इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखोगे, क्या देखोगे एक न्यूमेरिकल देखते हो तो देखो किस तरह से क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन कूलाम ऑफ चार्ज, बच्चों क्या नीड करोगे ऑफ वन कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है,
यानी कि बच्चों आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स बताने के बच्चों कितने होते हैं, है ना। 1 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कितनी होगी, तो बच्चों सॉल्यूशन इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, क्यू इजिकल टू एन ई है, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारे पास है ना। और वो आपसे क्या बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों आपका, कैलकुलेट कैलकुलेट एल ई टी, क्या कैलकुलेट करना बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं बच्चों, क्या बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। बच्चों 1 कूलम क्या दे दिया, क्यू दे दिया बच्चों, क्या दे दिया, क्यू। तो बच्चों देखो हमारा क्यू तो 1 दे रखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, क्यू कितना दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बच्चों निकालने हैं, ई हमें पता होता है फिक्स वैल्यू बच्चों हमारी, यही 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। अगर आप n को इधर लेके आओगे तो बच्चों n इंटू आपका निकल आएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ = बच्चों क्या जाएगा 1, ठीक है। n को यही रोकोगे अगर आप लोग तो बच्चों n इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम बच्चों, इतना हो गया, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बच्चों पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, कितना हो जाएंगे आपका 10 / 1.6 × 10⁻¹⁹ बच्चों माइनस के 90 के ऊपर लेके जाओगे तो आपके किस हो जाएंगे, प्लस के 90 हो जाएंगे, प्लस एक जीरो इसको दे दोगे क्योंकि कम है, तो 100 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएंगे बच्चों 18, कितने हो जाएंगे 18, है ना। 16 को जब आप अगर डिवाइड करोगे, 16 को क्या करोगे बच्चों, 16 को डिवाइड करोगे आपको 100 से, तो आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 6.25 × 10⁻¹⁹ कूलम बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल के। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में क्या कह सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, है ना, समझ में आ गया अच्छे से। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इसमें पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बच्चों इसकी जगह पे वो आपसे 1 कूलम ऑफ चार्ज की क्या पूछ सकता है, 2 कूलम ऑफ चार्ज भी पूछ सकता है, 3 कूलम ऑफ चार्ज भी पूछ सकता है। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूले से आपको अप्लाई करना है, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर के बारे में। तो बच्चों कंडक्टर में आपको बताया था थोड़ा सा कि कंडक्टर आपके क्या होते हैं बच्चों, है ना। तो आपके जो कंडक्टर होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं आपके, तो लेट्स सी हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टर बच्चों आपके क्या होते हैं। तो देयर आर, हम लोग कह रहे हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो बच्चों 3 तरह के कंडक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है, कितने तरह के कंडक्टर्स होते हैं आपके, 3 टाइप्स के, है ना। तो कौन कौन से आपके, सबसे पहले होंगे बच्चों क्या, कंडक्टर, क्या होंगे, कंडक्टर। तो बच्चों कंडक्टर क्या होते हैं, आर दोज विच अलाव करंट, यानी कि ऐसी चीज है जो कि क्या अलाव करती हैं, करंट को, ठीक है। आर दोज विच अलाव करंट, देन विच अलाव करंट देम, अलाव करंट देम किसकी वजह से, बिकॉज हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है आपका एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, इनमें रेजिस्टेंस नहीं होता है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें के अंदर क्या होता है बच्चों, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके फ्री मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इनके पास क्या होते हैं, फ्री मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास बच्चों, वो क्या कैरी कर सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन आने का हमारा जो करंट है उसको कैरी कर सकते हैं, चाहे करंट हो गया या हीट हो गया बच्चों, है ना। सेकेंड होता है हमारा क्या, सेमी कंडक्टर बच्चों, क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है आर दोज विच अलाव
विच अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन. अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सिलिकॉन. ठीक है, नाउ थर्ड है हमारा इंसुलेटर. बच्चे थर्ड क्या है? इंसुलेटर. तो बच्चों इंसुलेटर्स क्या होते हैं? लेट्स सी. तो इंसुलेटर देखो क्या होते हैं, आर दोस विच डिड नॉट अलाउ करंट देम बिकॉज they did not have free mobile electron, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. ठीक है, एंड ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. फॉर एग्जांपल ग्लास ईटीसी. बच्चों कांच की चीजें होती हैं आपकी. ठीक है, तो कांच की चीजें होती हैं बच्चों, उनमें आपका करंट पास नहीं होता है. ठीक है बच्चों, तो हमने अपने पार्ट वन में हल्का सा रिकॉल करा दे रहा हूं आपको बच्चों. आज हमने अपने पार्ट वन में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना. ठीक है, जिसमें हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या बच्चों. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिकॉल कर लेते हैं एक बार. तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या आपका, इलेक्ट्रिसिटी इज अ चार्ज, यानी कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन से आपके दे कैन बी मूव, आपके मूव करते हैं किसी भी मीडियम में. हम लोग कह सकते हैं हर मीडियम में तो नहीं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहां पर आपका रेजिस्टेंस बच्चों ना के बराबर होता है ना. तो उस मीडियम बच्चों क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं. ठीक है, प्लस उसके बाद हमने बच्चों क्या देखा था, फ्रिक्शन के बारे में जाना. बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है आपका, व्हेन रब्ड विद द टू बॉडीज, जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हो आपस में, तो बच्चों वहां पर जो आपका एज इट इज एज इट जो हीट जनरेट होती है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन से इंडिकेट करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. ठीक है, जिसमें आपके चार्जेस जनरेट होते हैं, आपके जो चार्जेस जनरेट होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन चार्जेस नहीं होते हैं, वो आपके मूविंग चार्ज होते हैं. ठीक है, जिसमें मैंने आपको ग्लास रॉड और सिल्क कपड़े का बच्चों एग्जाम्पल दे दिया था. सेकंड बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी आपको बता दिया. प्लस आपको मैंने बताया फॉर्मूला क्या था बच्चों चार्ज का, क्यू इक्वल टू एनी. बच्चों क्यू क्या था आपका, आपका चार्ज. ठीक है, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और ई की वैल्यू बच्चों क्या थी, फिक्स थी, 1.6×10⁻¹⁹ थी बच्चों आपके, है ना. जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों, तो मैंने बताया था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में आपको इलेक्ट्रॉन्स बता देंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बच्चों कंडक्टर्स के बारे में पढ़ाया. तो तीन तरह के कंडक्टर पढ़ाए मैंने आपको बच्चों, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर बच्चों आर दोस यानी कि ऐसी चीजें होती है आपकी जिनमें आपका कंप्लीटली करंट बच्चों क्या होता है, फॉलो होता है आपका. ठीक है, फ्लो होता है, सॉरी, है ना. सेकंड मैंने बच्चों आपको बताया सेमी कंडक्टर, जिनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है. इंसुलेटर, जिनमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता है. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने अपना पार्ट वन कंप्लीट कर लिया बच्चों. पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. प्लस उससे पहले ये पार्ट को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन ये बच्चों कि अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन्स के काउंटिंग 6.25×10⁻¹⁹ है, तो बच्चों आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि 2 कूलम ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बच्चों कितनी होगी. हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी. सो बच्चों आए आज आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों हम अपने इस पार्ट में बच्चों स्टार्ट करेंगे पार्ट टू में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चों, है ना. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों वो दो तरह की होती है. एक बच्चों कौन सी होती है हमारे पास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी बच्चों हमारे पास कौन सी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमारी स्टेशनरी होती है. कैसी होती है, स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब होता है बच्चों क्या, रुकी हुई, यानी हम कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच द प्रोड्यूसिंग ऑफ अ चार्जेस बट दे डिड नॉट फ्लो. आपके फ्लो नहीं करते चार्जेस आपके, यानी कि प्रोड्यूस तो होंगे बट आपके फ्लो नहीं कर सकते. तो बच्चों हम इसकी डिफाइन देखो क्या ले सकते हैं, इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ टाइप ऑफ is a type of electricity in which forming of charge, फिर हम कहते हैं producing of charge but do not flow.
बट डू नॉट फ्लो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपके पास ग्लास रॉड है, एक सिल्क का क्लॉथ है, अगर आप दोनों को रब कर रहे हो और रब करते टाइम आपके पास चार्ज जनरेट हो रहे हैं, बट आपके जो चार्ज जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज है बच्चों, वो रॉड से आपके सिल्क के कपड़े पर बच्चों पहुंच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं आपकी जो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी स्टेशनरी होती है, जिसमें चार्ज डेवलप तो होते हैं लेकिन वो आपके बच्चों ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि हम कह सकते हैं मूव नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच प्रोड्यूसिंग ऑफ अ चार्ज इन अ मोशन। हम कह सकते हैं इन विच प्रोड्यूसिंग ऑफ चार्ज इन मोशन। तो बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, इन मोशन, यानी कि इस तरीके के चार्ज बच्चों जो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या मेरे पैर वाले की बात क्लियर हुई? देखो इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बता दिया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का हार्मोन देखा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है हमारी बच्चों स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है आपकी, इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच प्रोड्यूसिंग ऑफ चार्ज, आपके चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, आपके बनते हैं, है ना, लेकिन आपके वो बच्चों फ्लो नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह बच्चों मूव नहीं करते हैं। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। प्लस अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो बच्चों इसमें चार्ज डेवलप भी होंगे, प्लस मूव भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अच्छा तो हम चलते हैं किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। बच्चों किस पर चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, तो बच्चों ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, तो देखो सुनो, इज द वर्क डन, क्या हो रहा होता है बच्चों, वर्क डन हो रहा होता है इज मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिवली चार्ज From the infinity to a certain point of electrical field। क्या कह रहा है ये आपसे बच्चों, तो देखो मैं हल्का सा आपको ऊपर पहले इसकी सो ले लो, फटाफट से ले लिया, चलो ये वाला पोर्शन रफ करके मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका है क्या। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग डायग्राम अपना छोटा सा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपका बीच में, आपका सेंटर में कोई भी आपका चार्ज है, ठीक है, कोई भी आपकी बॉडी में चार्ज है ना, उसका बच्चों क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है, और यहाँ पर आपका कोई भी एक आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है आपका, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, है ना। तो आप ध्यान से देखो, इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, लाने के लिए जो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। बच्चों ध्यान समझना, इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, वही तो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो कह रहा है आपसे, इज द वर्क डन, यानी कि काम करना पड़ेगा क्या, इज मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आप जो मूव कर रहा है आपका फ्रॉम द इन्फिनिटी, सॉरी बच्चों ये पॉजिटिव होगा आपका, ये नेगेटिव होगा, है ना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फ्रॉम द इन्फिनिटी बच्चों कहां पर है आपका, इन्फिनिटी पर है, ध्यान से देखो, टू अ सर्टेन पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, किसमें बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, किसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बच्चों क्या कहलाता है वो आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग अपने तीसरी डिफाइन पे आए बच्चों, क्या कहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों क्या कहती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, तो ये भी आपका मूविंग ऑफ चार्ज ही होता है एक तरीके से। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इसको, तो बच्चों इज अ वर्क डन, इसमें भी क्या हो रहा था बच्चों, वर्क डन हो रहा होता है किसमें, इन मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि एक तरह से हम देखें तो मेरे पास अगर दो सिंबल्स हैं इस तरीके के, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसमें आपके चार्ज जनरेट हो रहा है और यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज आपके बच्चों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, वी से, किससे इंडिकेट करेंगे, वी से। ठीक है, प्लस अब क्या क्या रहे देखो आपसे, तो फॉर्मूला बन रहा है आपका, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वी है आपका, तो वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है बच्चों आपका, जब आपको वर्क डन करना पड़ता है किसी भी चार्ज को लाने के लिए, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े बच्चों, क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यही फॉर्मूला आपका वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो साफ साफ दिख रहा है कि वर्क डन टू मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में, हम कह सकते हैं द मूविंग ऑफ चार्ज, द वर्क डन इन विच द मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ रहा है बच्चों, उस काम को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल
डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, v = w upon q। बच्चों फॉर्मूला याद होगा तो आपको डिफाइन ध्यान रहेगी, देखो इस तरीके से डिफाइन लर्न करनी है आपको, इस तरीके से v = w upon q है। w क्या बच्चों, वर्क डन है, यानी काम करना पड़ रहा है, किस लिए, द मूविंग ऑफ चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए कहां, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, ठीक है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, किसमें मेजर करेंगे, वोल्ट में। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट, v क्या वोल्ट है आपका, 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जूल पर 1 कूलाम के, है ना, 1 जूल पर 1 कूलाम के, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे चार्ज तक ले, दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डिफाइनल लिख दिया बच्चों इसकी, क्योंकि एज अ एग्जामिनर देखो आपसे बोर्ड में कभी कभी 1 वोल्ट बराबर पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बताओ, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है बताओ, तब आपको डिफाइन बच्चों देनी होती है। तो देखो लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों क्या कहता है वो क्या कहता है, टू बी क्या कहता है वो, 1 वोल्ट व्हेन 1 ग्राम, जब आपका 1 वोल्ट 1 जूल को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क इज डन करना पड़ता है इन मूविंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बच्चों सेम डिफाइन निकल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको। देखो साफ साफ वो आपसे कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी, बच्चों पोटेंशियल क्या कहता है भैया, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आपसे, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट टू बी क्या कह रहा है, कि अगर आपको 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब आप 1 वोल्ट को करने के लिए, जब आप 1 जूल वर्क करोगे किसको ले जाने के लिए, इन मूविंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने के लिए, कहां, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आपसे पर्टिकुलरली देखो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपसे आएगा पूछ लिया जाता है, आपसे एग्जामिनर जो होते हैं वो पूछ लेते हैं कि हमें कृपया करके बता दीजिए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, हमें कृपया करके बता दीजिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तब बच्चों आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो आप यूनिट को भी ध्यान से देखें, प्लस अब इसको आपको एज ए मीजर करने के लिए बच्चों वोल्टामीटर का यूज होता है। वोल्टामीटर क्या होता है बच्चों, इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करने के लिए बच्चों किसकी जरूरत होती है, हमें वोल्टामीटर की, है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। प्लस इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है यार, तो ये बच्चों हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर्शन है, तो आप ध्यान से देख लें इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट, तो बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि ऐसी रेट जिसमें आपका क्या फ्लो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि ऐसा चार्ज जो कि बच्चों क्या होता है आपका फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। सिंबल क्या है, क्या सिंबल है इसका, सिंबल क्या बच्चों, आई से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन टी। तो यूनिट क्या बनेगी बच्चों हमारी, यूनिट बनती है हमारी क्या 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 क्या, क्या? देखो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर 1 सेकंड, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है बच्चों 1 सेकंड टाइम में लगता है, वो हमारे किसके ऊपर होता है, 1 एम्पियर के, ठीक है। यूनिट क्या बच्चों इसकी, एम्पियर, क्या दे रखी है, एम्पियर दे रखी है। तो बच्चों इसकी भी डिफाइन आपसे पूछ ली जाती है, ऐसे एग्जामिनर आपसे इसकी भी डिफाइन पूछ लेते हैं बच्चों, यूनिट की डिफाइन बच्चों आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो 1 एम्पियर करंट इज सेट टू बी, अब ये क्या कहता है भाई, तो 1 एम्पियर करंट इज सेट टू बी क्या कहता है, टू बी 1 एम्पियर होगा व्हेन, कब, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा थ्रो वायर में, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर, क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा आपका कितने टाइम में, वायर में, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 एम्पियर के, ठीक है। अच्छा करंट को नापने के लिए बच्चों इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बच्चों, अमीटर, इसका यूज करेंगे, अमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मीजर द करंट, ठीक है बच्चों। तो हमने अपने इस पार्ट में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अगर बच्चों आपको समझ में ना आया तो आप अगर वीडियो को रिकॉल करके देख सकते हो, ठीक है। प्लस हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग लेके आएंगे क्या क्या लेके आएंगे बच्चों, पैर पैर बच्चों के लिए लेके आऊंगा मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और अच्छे से थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सॉरी इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ करंट किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। तो मिलते हैं बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आज आपके लिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 आज हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें मैं बच्चों बताऊंगा टाइप्स ऑफ करंट के बारे में, प्लस बच्चों कुछ करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके किस पर बेस्ड होंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड होंगे, समझे। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो बच्चों टाइप्स ऑफ करंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो करंट हमारे दो तरह के होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं बच्चों, पहला होगा हमारा कौन सा, कन्वेंशनल करंट, दूसरा होगा बच्चों कौन सा, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट बच्चों कौन सा होता है, बच्चों
पुराने टाइम की अगर बात करें तो कन्वेंशनल करंट ही नोटिस में आता था, यानी कि लोगों को सिर्फ कन्वेंशनल करंट ही पता था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जबकि रियलिटी देखा जाए तो हमारे पास आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल करंट का ही यूज है बच्चों, कन्वेंशनल करंट का हम लोग प्रैक्टिकली कोई यूज करते ही नहीं है। बच्चों पहले के टाइम पे क्या लगता था लोगों को कि कन्वेंशनल करंट ही होता है। अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है बच्चों, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते बच्चों, क्या फ्लो करते हैं, प्रोटॉन, पार्टिकल चार्ज बच्चों, प्रोटॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिकल करंट बच्चों क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों वो कहां से कहां पे होगा, इनका बच्चों कहां से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों कहां होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इन ऑटो सर्किट। ये बच्चों पॉजिटिव की तरफ से कहां आता है, नेगेटिव की तरफ। इनका कहां से होता है, नेगेटिव की तरफ से, कहां से बच्चों, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है बच्चों। ये आपके नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है बच्चों, है ना। प्रैक्टिकली ये बच्चों क्या होते हैं आपके, अनइम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकली इनका कोई यूज नहीं है। कन्वेंशनल करंट का हम लोग प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं करते हैं, ना हम इसे पंखे चला सकते हैं, ना टीवी चला सकते हैं, कोई भी किसी तरह का अप्लायंसेस का यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट का बच्चों किसमें यूज करते हैं, प्रैक्टिकली ही यूज करते हैं जितना ज्यादा हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ करंट, जो कि हमारा कन्वेंशनल करंट था और कैसा था बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन बच्चों, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या बच्चों, जूल, जूल, जूल किसकी यूनिट है बच्चों, वर्क की, मतलब पूछ क्या रहा है आपसे, डब्लू पूछ रहा है, ठीक है। ईच कूलम ठीक है, प्रत्येक कूलम में, ईच कूलम यानी कि वन कूलम बच्चों, चार्ज दे दिया वन कूलम, ठीक है, चार्ज, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वी कितना दे दिया बच्चों, 6 वोल्ट दे दिया, ठीक है। पूछ क्या रहा बच्चों आपसे, आपसे पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, किसमें, किसमें, वन कूलम ऑफ चार्ज में, वोल्ट के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, यही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं वोल्ट बराबर बच्चों क्या होता है, वर्क डन, यानी कि वर्क डन करना पड़ेगा आपको बच्चों, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी मूविंग चार्ज को लाने के लिए, ठीक है। यानी कि वर्क डन टू मूविंग ऑफ चार्ज आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये कह रहा है कि कितना वर्क करूं मैं, कितना वर्क करूं मैं, ठीक है, ये कि मुझे कि मुझे अपना वन कूलम ऑफ चार्ज में इतना वोल्ट बैटरी देनी पड़े, ठीक है। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, तो फॉर्मूले में लगा दो आप लोग, V कितना दे रखा है बच्चों, 6, W कितना दे रखा है, W कितना दे रखा है बच्चों, W निकालना है आपको, ठीक है, Q कितना दे रखा है बच्चों, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो W बराबर आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 जूल। क्या निकलाया आंसर, ईजी था, आसान था, कितना आंसर निकलाया, 6 जूल, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चार्ज करते हैं बच्चों क्या, अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, नेक्स्ट नंबर है आपका अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो बच्चों चार्ज कितना है, Q इक्वल टू कितना दे दिया बच्चों, 2 कूलम, क्या दे दिया बच्चों, 2 कूलम दे दिया, ठीक है, चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम, है ना। इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो कि किसमें मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट की तरफ। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस में भी तो यही होता है कि इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक किसी भी चीज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल को एक इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक, यानी कि उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़े वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों आपका। तो यही आपसे कह रहा है कि आपके पास जो मूविंग चार्ज है बच्चों वो कितना, 2 कूलम है, यानी कि मैं इसको यहां पर इंडिकेट कर दे रहा हूं कि आपके पास जो मूविंग चार्ज, यानी कि V इक्वल टू, सॉरी चार्ज है आपका, यानी Q इक्वल टू बच्चों, Q इक्वल टू चार्ज कितना दे रखा है, 2 कूलम दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, 2 कूलम, ठीक है, ये दे दिया इन इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या, ए एंड बी, दो पॉइंट है आपके बच्चों, एक ए पॉइंट है, एक पॉइंट क्या बच्चों, बी पॉइंट है ना। सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों आप लोग, है ना, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आपका, ठीक है, दो पॉइंट है ए एंड बी। इफ द वर्क डन इज ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट, यदि आपका पहले वाले में जो वर्क डन हो रहा है आपका बच्चों कितना हो रहा है, 12 जूल हो रहा है, कितना जूल हो रहा है, 12 जूल, यानी कि W बराबर कितना दे दिया बच्चों, 12 जूल ए में, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपसे कह रहा है एंड ब्रिंगिंग टू अ पॉइंट बी, बी में बच्चों कितना वर्क हो रहा है, 16 जूल, यानी कि बी में जो वर्क डन है बच्चों कितना हो रहा है, 16 जूल हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दोनों के बीच का हमें बच्चों क्या निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच का निकालना है तो बच्चों हमें पहले दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का निकालेंगे तो V2 - V1 आपके पास मेन पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। यानी कि आपको मेन बच्चों देखो क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, मेन पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना है, V2 - V1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास क्या निकल आएगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों के बीच का निकालना है तो उसके लिए आपको पहले ए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको किसका निकालना पड़ेगा, बी का, ठीक है। तो ए का निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, V = W / Q,
ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ किसका, V1 का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या दे रखा है हमारे पास बच्चों, हमारे पास चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज कितना दे रखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, V1 इज इक्वल टू W कितना बच्चों 12, चार्ज कितना रखा है बच्चों 2 कूलम अप्लाई करेंगे हम दोनों जगह पे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। कितना रखा है चार्ज 2 कूलम, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 6 गया, तो V1 बराबर बच्चों आपका निकल आएगा 6 वोल्ट, कितना निकल आएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो एक तो हमारा ही निकला है 6 वोल्ट निकला हमारा एक भी, तो दूसरा भी बच्चों कितना निकला, फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू W अपॉन Q, तो V बराबर V2 है, ठीक है। V2 बराबर W कितना बच्चों 16 डिवाइड बाय 2, तो बच्चों V2 बराबर वोल्ट कितना निकला आएगा, V2 बराबर वोल्ट निकला आएगा बच्चों 8 वोल्ट निकला है, कितना निकला आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों V1 भी आ गया और V2 भी आ गया, ठीक है, V1 भी आ गया और V2 भी आ गया अपने पास। अब दोनों आ गए, दोनों के बीच का हमें बच्चों क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का, फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू V2 माइनस V1, बहुत आसान है, रख दो आप वैल्यू, V निकालना हमने, तो V2 कितना दे रखा है बच्चों आपका 8 वोल्ट, कितना निकला 8, V1 कितना दे रखा है बच्चों कितना निकला 6, तो V में से आपका 8 में 6 से बच्चों क्या निकला 2 वोल्ट, क्या निकला आया 2 वोल्ट, दैट इज आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालने है ना, तो आपके कुछ इसमें बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में भी होंगे, है ना, प्लस इससे आगे हम लोग है क्या फर्दर अपना और आगे चालू करने वाले हैं, है ना, क्योंकि हम लोग अपना पार्ट 3 में यहाँ तक ले आए हैं, पार्ट 4 में बच्चों हम लोग इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि करंट कितने टाइप्स के होते हैं, बच्चों कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दें, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आपके लिए क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, क्या ले आए बच्चों आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का आज हम ले आए हैं पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, बच्चों किसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बच्चों सर्किट तो सबके घर में होते हैं, होते नहीं होते, सर्किट तो सबके घर में होते हैं, हम देखने वाले हैं कि सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, है ना। तो सर्किट देखो आपके क्या होते हैं, देखो सर्किट क्या होगा, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ऑफ अ पाथ, किसी भी पाथ का एक कंटिन्यूसली फॉर्म में बना रहे ना, बिटवीन द किसके बीच में, टर्मिनल ऑफ अ सोर्स, जो दो टर्मिनल उसमें लगे हुए हैं उनसे उनके जो सोर्स है आपका जो कंटिन्यूसली फॉर्म में अगर बना हुआ है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलोंग विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट, करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। गया ऊपर से की डिफाइन, देखो इन शॉर्ट है, देखो तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, सुनो देखो आपका ये सर्किट क्या होता है, जैसे कि आपका मान के चलो ये आपकी क्या बच्चों बैटरी है, ठीक है, ये आपकी क्या बैटरी है, है ना, ये बैटरी है, इससे वायर निकला हुआ है आपका, ये वायर आपका बच्चों जा रहा है स्विच में, किसमें जा रहा है स्विच, ये स्विच है बच्चों ऑन ऑफ का आपका, ठीक है, ये स्विच है आपका ऑन ऑफ का, ठीक है, और ये जो स्विच है आपका इधर इसका एक वायर जो होगा बच्चों बैटरी का वो बच्चों कनेक्टेड होगा किससे आपका बल्ब से, किससे कनेक्टेड होगा आपका बल्ब से, ठीक है, बल्ब जल रहा है भाई साहब आपका, है ना, और ये इससे कनेक्टेड देने इससे कनेक्टेड है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा आपका, है ना। तो ऐसे करके एक पाथ बना हुआ है बच्चों, क्या बना हुआ है, एक पाथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एनर्जी के सोर्स हैं उनके बीच में जो पाथ बना हुआ है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, जिसको आप बच्चों अगर आप बंद कर दो तो बच्चों पाथ क्या हो जाता है, अगर हम कह सकते हैं ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है एक तरीके से, अगर आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, अगर आप स्विच ऑन करते हो तो इसका मतलब है कि बच्चों वो आपका सर्किट हो चुका है, स्विच ऑन का मतलब है क्लोज सर्किट, ठीक है, क्योंकि स्विच ऑन करते टाइम पे जो वायर थे आपके कुछ इस तरीके थे आपके, ठीक है, मान के चलो बल्ब आपका जला हुआ नहीं, कुछ इस तरीके से वायर है आपके दो, है ना, बट जैसे आपने स्विच ऑन किया, आपने आपने जो आपका स्विच उसको दबाया आपने, तो जैसे आपने दबाया उसको प्रेस किया इससे टच हो गया, ठीक है, देखो ऐसे क्या हो जाता है, क्या टच, इससे टच हो जाता है आपका, देन आपका जो करंट है बच्चों आपका क्या बन जाता है, फ्लो पाथ में आगे की साइड में बढ़ जाता है ना। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे, क्या करोगे, स्विच ऑफ, तो आप स्विच ऑफ करते टाइम पे बच्चों ओपन सर्किट, यानी कि आपका जो सर्किट है वो स्विच ऑन करते टाइम पे क्या जाता है, ऐसे खुल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्विच ऑफ अटैच, स्विच ऑन दूर, स्विच ऑफ अटैच एंड स्विच ऑन दूर, ठीक है। तो इस तरीके का सर्किट होता है बच्चों आपका, है ना। तो सर्किट की तरह के होते हैं दो तरह के, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। बच्चों ओपन सर्किट यहां पर होगा उस जगह पे आपका करंट पास, करंट जो होगा आपका वो पास नहीं होगा बच्चों, है ना। और ओपन सर्किट कब होता है, जब आप स्विच को बच्चों क्या करते हो, ऑन करते हो, क्या करते हो, ऑन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर्किट कौन सा हो गया बच्चों आपका, ओपन सर्किट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग देखोगे तो दो तरह के सर्किट है बच्चों आपके, एक तो ओपन सर्किट है बच्चों आपका, ठीक है। ओपन सर्किट बच्चों क्या है, ओपन सर्किट का मतलब है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया, क्या कर दिया है, स्विच ऑफ, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सर्किट क्या हो चुका है, दूर दूर। अब स्विच ऑफ कर देंगे तो फैन चलेगा तो है नहीं, है ना, फैन ही चलेगा आपका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओपन सर्किट, इट इज अ सर्किट, इट इज अ सर्किट, क्या एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल
कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन, बच्चों जो इलेक्ट्रिकल पाथ है आपका वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है आपका, ठीक है। एट सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, सच दैट आर नोन एज सच दैट नंबर ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंपोनेंट ऑफ सर्किट, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से ओपन सर्किट बच्चों कौन सा होगा, जिसमें आप स्विच ऑफ कर देते हो, क्या करते हो, स्विच ऑफ, ठीक है। स्विच ऑफ करते टाइम पे क्या होता है, आपका ना फैन चलता, ना बल्ब जलता, ना टीवी चलती, क्यों नहीं चलती आपकी, क्योंकि बच्चों सर्किट कौन सा कर दिया आपने, ओपन सर्किट कर दिया, क्योंकि स्विच ऑफ करते टाइम पे जो वायर है वो अलग अलग हो जाते हैं और आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, यानी दूर दूर हो जाता है, इसके करंट आपका पास होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा क्लोज सर्किट की, तो बच्चों इसमें क्या होता है, द करंट इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ करंट ऑफ सर्किट आर जॉइंट, जितनी भी आपका जो ओपन सर्किट बच्चों क्या जाता है, स्विच ऑन करते टाइम पे आपने देखा, ये सब स्विच ऑन करते हो पंखा चलने लग गया, स्विच ऑन किया टीवी चलने लग गई, स्विच ऑन किया बल्ब चलने लग गया, क्यों, क्योंकि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो आपका जो ओपन सर्किट था बच्चों को क्या था, अटैच हो जाता है और आपका करंट का पाथ बन जाता है, और इस तरीके से आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं वो चलने लग जाते हैं बच्चों, है ना। अगर आप इसमें देखोगे टू वन अनदर सच दैट द कंटीन्यूअस करंट फ्लो थ्रू देम, ठीक है, तो वही बोल रहा है आपसे कि अगर ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट आप करते हो तो उसका आपका करंट के पाथ पर इंटरप्शन जिस तरह का भी इंटरप्शन होगा वो बच्चों पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्विच ऑन करते हो तो हम कह सकते हैं स्विच ऑन करते टाइम आपका क्लोज सर्किट हो जाता है, आपके करंट का पाथ चलने लग जाता है और आपका फैन या अप्लायंसेस चलने लग जाते हैं बच्चों, है ना। अगर बच्चों आप लोग अगर स्विच ऑफ कर देते हो तो बच्चों स्विच ऑफ करते टाइम पे क्या होता है, आपका जो करंट का पाथ है वो इंटरप्ट हो जाता है और आपके सर्किट दूर दूर जाएंगे और आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं बच्चों वो क्या जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इस तरीके के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लियर, हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ लिया, ओपन सर्किट के बारे में पढ़ लिया, क्लोज सर्किट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में, तो जो आपसे अलग से एज आपके बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रियोस्टेट, बच्चों रियोस्टेट क्या होता है, तो मैं आपको इन शॉर्ट इन वन लैंग्वेज आपको डिफाइन बता दूं रियोस्टेट की। बच्चों आपने देखा था, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे, आज के टाइम पे तो नहीं, देखो आज के टाइम पे जितनी भी हमारे पास टीवियां आती हैं या फिर जितनी भी लेटेस्ट जो टीवियां एलईडी आती हैं उनको बच्चों किसी भी तरह की स्टेपलर की कोई नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ऐसी मॉडिफाई होकर आ रही हैं जो कि करंट को उतना ही लिमिट में अपने अंदर एंट्री करती हैं जितना कि उनको नीड होती है, जिससे कि उनको फूकने का डर नहीं रहता। लेकिन जो पुराने टाइम पे जो टीवियां आती थी या फिर जितने भी आपके फ्रीजर्स आते थे, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल चीजें आती थी, वो बच्चों इस तरीके से नहीं बनी होती थी कि वो करंट को रोक सके, तो उनके साथ एक स्टेपलायर और लेके आते थे हम लोग, ठीक है, जो कि उनके ऊपर एक डिब्बा सा रखा रहता था, है ना। तो वो स्टेपलायर का बच्चों रोल क्या होता था, वो स्टेपलायर क्या करता था कि करंट को एक एक जगह से रोकता था, ठीक है। जैसे कि अगर आपके वायरिंग में अगर करंट की अमाउंट ज्यादा बह रही है तो बच्चों एक लिमिट तक भेजता था, वो वोल्टेज सेट होते थे उसके, क्या हमें 200 वोल्ट पर ही चलाना है या 150 वोल्ट पर चलाना है। तो अगर आप टीवी को अगर 150 वोल्ट पर या 200 वोल्ट चला रहे हो तो बच्चों उससे ज्यादा करंट को आगे बढ़ने नहीं देता था, तो स्टेपलर का यही रोल होता था, जानते हो आप सब लोग, ठीक है। आज के टाइम पर यूज नहीं है अब, क्योंकि अब हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल चीजें हैं बच्चों, वो सब अब इतनी मॉडिफाई कर दी गई हैं कि उनको किसी भी तरह की स्टेबिलिटी की नीड नहीं होती है, वो खुद आकर असेस कर लेती हैं करंट को और उतनी अमाउंट में करंट को अंदर एंट्री कराती है जिससे कि वो फूके ना, ठीक है बच्चों। लेकिन उस टाइम पे आपका स्टेबिलिटी का रोल क्या था बच्चों, हम खटखट करते रहते थे, ठीक है, कि हमें 200 वोल्ट पे ले गए, 150 वोल्ट पे ले गए, है ना, तो बच्चों लिमिट तक भेजते थे, तो वो आपके करते क्या थे बच्चों, करंट को रोकते थे बच्चों, वही तो एक तरह से काम कर, ऐसे ही आपका सेम काम कौन करता बच्चों, रियोस्टेट का भी बच्चों रोल यही होता है। जो आपका रियोस्टेट होता है बच्चों, आप उसको अपने अकॉर्डिंग जितना करंट भेजना चाहो उतना भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि रियोस्टेट का काम ही यही होता है। रियोस्टेट देखो आपका कुछ ऐसा होता है, आपका रॉड शेप का होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, आपने देखा होगा फिजिक्स लैब में ऐसा रखा जाता है आपका, कुछ इस तरीके का होता है रियोस्टेट, इसमें लाइनिंग होती है बच्चों, आपकी क्या होती है लाइनिंग, ठीक है। तो ये रियोस्टेट आपका रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए बच्चों, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल बच्चों, आपका एक करंट के पाथ को लिमिटेशन में भेजने के लिए, किसके लिए, लिमिटेशन में, ठीक है, जितना आप भेजना चाहते हो उतना भेजेगा, बाकी के जो करंट उसको क्या कर लेगा बच्चों, इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा, है ना। तो डिफाइन में देखो साफ साफ लिखा हुआ, ध्यान से देखना आप लोग, है ना, देखो इट इज डिफाइन एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल बच्चों क्या, विभिन्न प्रकार का रेजिस्टेंस, बहुत तरह का, ठीक है, ये बच्चों क्या क्रिएट कर देता है, बहुत तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, ज्यादा क्रिएट कर देगा तो करंट कम जाएगा, कम क्रिएट कर देगा तो करंट ज्यादा जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से इट इज अ लोड टू द चेंज ऑफ द करंट, जिसके से करंट में क्या आता है, चेंज आता है, क्या आता है, चेंज, है ना। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट ज्यादा, तो बच्चों ये क्या करता है, करंट के पाथ को क्या करता है, इंटरप्ट करता है ना, आप अपने अकॉर्डिंग करा सकते हो इसमें, इन द सर्किट विदाउट द चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ सेल, ठीक है, बिना किसी चेंज ऑफ सोर्स ऑफ सेल के, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपने मान लो अगर आपने कोई बैटरी 2000 वोल्ट की लगा रखी है
और आप सोच रहे हो 2000 की वोल्ट की बैटरी से अगर मैं टीवी चलाऊंगा मेरी टीवी तो फूक जाएगी, है ना। तो आप बच्चों क्या करो, रियोस्टेट लगा दो, है ना। बेसिक आपकी बैटरी 2000 वोल्ट की, अगर आप बीच में रियोस्टेट लगा के अपनी टीवी को चलाते हो तो बच्चों आपने देखा कि आपकी आपकी टीवी जो है वो 150 वोल्ट भी चल जाएगी जबकि बैटरी 2000 वोल्ट की है। तो बच्चों रियोस्टेट को सेट कर दो आप लोग कितने पर, कि इतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दे वो जिसकी वजह से करंट सिर्फ आपका 150-200 वोल्ट ही पास हो। तो बच्चों वो कर देगा ऐसा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा कि जिसकी वजह से करंट ज्यादा आपका उसमें से पास होगा ही नहीं। समझ में आया? तो रियल एस्टेट का मेन काम समझ में आया बच्चों? रियल एस्टेट क्या करता है, एक करंट को एक मिनिमम अमाउंट में भेजता है। कैसे बच्चों? रेजिस्टेंस क्रिएट करके, ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट कर देगा उतना करंट क्या ज्यादा कम हो जाता है, रेजिस्टेंस जितना कम कर देगा उतना ज्यादा करंट ज्यादा पास होता है। तो हम कह सकते हैं हम रियल एस्टेट की मदद से बच्चों करंट को एक मिनिमम रेंज तक ही भेज सकते हैं, कहीं पर भी आपको जहां भी भेजना हो, ठीक है, जिस भी एप्लायंसेस को चलाना हो, ठीक है। तो आई होप कि मेरे पैर पर बच्चों को रियल एस्टेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि रियल एस्टेट क्या होता है, आई होप, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं बच्चों, आगे आपका क्या, व्हाट इज अ ग्रेविमीटर? अरे 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 ग्रेविमीटर क्या है? देखो सुनो, करंट को नापने के लिए कौन से मीटर का यूज करते थे, किसका यूज करते थे करंट को नापने के लिए बच्चों? एमीटर का करते थे, ठीक है। हमें पता है कि करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर होती है ना, एम्पियर होती है आपकी। उसको नापने के लिए बच्चों, मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्सिबल था बच्चों? तो हम लोग एमीटर का यूज करते थे, है ना। जिस तरीके से हम लोग वोल्टेज को नापने के लिए किसका, वोल्टमीटर का, करंट को नापने के लिए किसका, एमीटर का, इसी तरीके से ग्रेविमीटर किसके लिए भाई? ये भी करंट को नापने के लिए है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है फिर दोनों में बच्चों? अमीटर का यूज करते थे करंट को नापने के लिए, सही है, मेजर करने के लिए, सही बात है। ग्लेवनोमीटर का भी यही रोल है, बट ग्लेवनोमीटर का रोल है द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, यानी कि आपका जो मिनिमम रेंज ऑफ करंट है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर मान के चलो कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है यानी कि सिर्फ मैग्नेट का है, तो वहां पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों। इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अमीटर मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। अमीटर जो मेजर करता है वो बच्चों थोड़ा सा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए क्या करें हम, क्योंकि अमीटर तो नहीं कर रहा, तब उस जगह पे हम लोग एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसका बच्चों? ग्लेवनोमीटर का। ग्लेवनोमीटर क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है बच्चों? मेजर करता है, ठीक है। तो मेरे पैर बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने में क्या, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, बहुत छोटे छोटे करंट को क्या करते हैं बच्चों? मेजर करते हैं, ठीक है। आई होप कि मेरे पैरे पैर बच्चों का रियोस्टेट क्लियर हो गया होगा, ग्लेविमीटर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे सिंबल्स जिनको आपको बच्चों एज ए न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, ठीक है। तो इन सिंबल्स का मतलब देखो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विद सिंबल यूज, तो कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो रही है बच्चों, है ना। तो अगर कोई सिंगल वायर आपको ऐसे सिंबल में दिखाई दे, हम कह सकते हैं बच्चों क्या वायर है, क्या आपका वायर, ठीक है। अगर कोई वायर है और उसमें अगर इस तरह का जॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कोई भी ना कोई कंडक्टर है जो उससे कनेक्टेड है बच्चों, क्या है कनेक्टेड। कोई वायर है उससे कनेक्टेड है और फिर वो वायर आपका दूसरे में जा रहा है, तो ये भी बच्चों क्या कनेक्टेड है ना। अगर कोई वायर है सिंपली दो वायर निकल रहा है, बीच में आपका कोई नोड्स नहीं बना हुआ है किस तरीके, तो हम कह सकते हैं ये जो वायर है सिर्फ निकल के जा रहा है बट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है बच्चों, ये सिंबल इंडिकेट करता है। ये जो सिंबल है बच्चों आपको लाइनिंग छोटी लाइन छोटी लाइन फिर और छोटी लाइन है बच्चों, ये इंडिकेट करती है कि जो वायर है आपका वो जमीन में जा रहा है, किस में जा रहा है, जमीन में, ग्राउंड के लिए जा रहा है, ठीक है। ये बच्चों आपका सिंगल, अगर आपने सिर्फ दो ही अगर डंडे बनाए हैं यहाँ पर, तो बच्चों सेल के लिए होते हैं। अब जितने इनको बढ़ा दोगे उतना ही वो सेल पावरफुल होता है, यानी कि अगर मैं दो से ज्यादा कर दूँ तो बच्चों क्या होगी, वो बैटरी और ज्यादा बढ़ा दोगे तो बैटरी और पावरफुल हो जाएगी बच्चों, है ना। तो डिपेंड इन पर करता है कि आपने कितने सिंबल्स लगाए हैं ना, इसके हिसाब का सेल या बैटरी पावरफुल होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका सिंबल होता है बच्चों किसका, लैंप का। ये किसका सिंबल है बच्चों, ये वाला आपका फ्यूज का। फ्यूज आपने देखा होगा कनेक्टर होता है, फ्यूज होता है आपके जो हम लोग घरों में यूज कर लगा दिए तो लाइट आ गई, निकाल दिए लाइट गई, ठीक है। देन ये बच्चों क्या आपका, आपका क्या रजिस्टर फिक्स, ये आपका फिक्स रजिस्टर है कि हमें हाँ भैया हमें आएगा 200 वॉट में हमें लाइट भेजनी है, फिक्स हो गया आपका, ठीक है। बट आपका जो वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है बच्चों, जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, ये आपका वेरिएबल है, आप अपने अकॉर्डिंग मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चों स्विच का सिंबल है, ये आपका इस टाइम पे अगर आप स्विच के सिंबल को इसको देखोगे तो बच्चों ये आपका ओपन सर्किट है, ठीक है, जिसमें आपका स्विच कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ऑफ है, ऑफ वाली कंडीशन में, ठीक है। ये आपका बच्चों वोल्टमीटर वी से इंडिकेट करता है और एमीटर को ए से इंडिकेट करता है, ठीक है। सो आई होप मेरे पैर पर बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं बच्चों आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट, जो आपका धमाकेदार वाला पार्ट होने वाला है, जिसमें आपको बताऊंगा किसके बारे में, किसके बारे में, हमारा पैरा सोलो जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। सो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों ले आया है आपके लिए पार्ट 5, और बच्चों पार्ट 5 में मैं आपको आज को पढ़ाऊंगा क्या बच्चों, ओम्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, ओम्स लॉ बच्चों, ओम्स लॉ। ओ भाई क्या बात है, मजा आया था इसके बारे में सुनकर बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर द ओम्स लॉ बच्चों, क्या कहता है आपका ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बच्चों क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट, इनके अनुसार, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इट बच्चों क्या कहते हैं ये भाई, ये क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बच्चों क्या कहता है ओम्स लॉ, द रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन
बिटवीन बिटवीन बिटवीन बिटवीन क्या द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एंड करंट, एंड करंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बात समझो बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता है, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एट हम लोग कह सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज ओम्स लॉ। कह रहे ये क्या होता है बच्चों, देखो सुनो, ओम्स लॉ कहता है द रिलेशनशिप, बच्चों बताता है ओम्स लॉ क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और बच्चों किसके बीच में, करंट के बीच में। ठीक है क्या रिलेशन दोनों के बीच में, तो हम कह सकते हैं रिलेशन क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि ओम्स लॉ आपसे चिल्ला चिल्ला के बताता है बच्चों, ओम्स लॉ क्या कहता है अकॉर्डिंग टू इट, इनके अनुसार क्या बच्चों, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बच्चों क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बच्चों जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा बच्चों क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होकर आ जाता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आई। ठीक है ये फॉर्मूला आ जाता है, अगर आप प्रोपोर्शनल साइज बढ़ाते हो तो बच्चों हम लोग क्या लेते हैं इसके कॉन्स्टेंट वैल्यू वी इक्वल टू आई आर, बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाता है वी इक्वल टू आई आर। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे मोस्टली आपके न्यूमेरिकल बच्चों ओम्स लॉ पे बेस्ड आते हैं, तो ध्यान से देख लेना कि ओम्स लॉ बच्चों क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या लेते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला बन जाता है। एक बच्चों हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है, एक बन जाता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई बच्चों। ठीक है रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी ड्राइव हो जाता है। ठीक है बच्चों अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों मेरे, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक तरह का इंटरप्शन है, क्या है एक तरह का इंटरप्शन है किसी भी पाथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके बह रहे हैं बच्चों, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो बच्चों मूव कर रहे होते हैं ऐसे धीमे धीमे चल रहे होते हैं उनके बीच में एक तरह का बैरियर है। ठीक है जिसके से इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। ठीक है रुकावट क्रिएट कर देते हैं बच्चों, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। तो देखो इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्ज, एक तरीके का जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो चार्ज फ्लो कर रहा है उनके बीच में। ठीक है बच्चों फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, वी इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस का निकालोगे तो वी अपॉन आई हो जाएगा बच्चों, और रेजिस्टेंस का हम लोग यूनिट देखेंगे तो बच्चों किस में यूनिट रहता है वन ओम में, वी क्या है वन वोल्ट और आपका आपका करंट क्या है वन एम्पियर। तो बच्चों हमारे पास एक ये ड्राइव हो गया आपका, ठीक है प्लस आपका ये आपका जो ओम्स लॉ बच्चों ड्राइव इसकी लिखने को आ जाती है कभी कभी, देखे ध्यान सुनना इसकी यूनिट की ड्राइव आ जाती है बच्चों लिखने के लिए। देखो वन ओम रेजिस्टेंस इज सेट टू बी, क्या कहता है बच्चों रेजिस्टेंस क्या कहता है, वन ओम व्हेन, वन ओम होगा कब, जब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा किस पर, अलाउ वन एम्पियर ऑफ करंट पर, तब आपका क्या होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों वन ओम के। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ओम्स लॉ क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ओम्स लॉ पढ़ लिया हमने, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया बच्चों हमने। ठीक है अब हम जो हमने पढ़ने वाले बच्चों क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, बच्चों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा क्या डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं कुछ फैक्टर्स लेके आया हूं जिसमें हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों, है ना, उन फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है बच्चों। पहली बात तो आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का इंटरप्शन है ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमारा जो करंट है बच्चों वो रुक जाता है। ठीक है एक तरह के पाथ में क्या है इंटरप्शन है, ठीक है जैसे कि मान के चलो इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे करके जा रहे हैं और आगे चल के कोई दीवार करके ऐसे खड़ा हो गया, हाँ नहीं जाएगा आगे की साइड में नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ऐसे रोक देगा। ठीक है अगर 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 आपका रेजिस्टेंस ज्यादा तो एकदम रोक देगा ऐसा करके, रेजिस्टेंस कम है तो हल्के हल्के निकल जाएंगे इधर-उधर से बाकी को रोक देगा। ठीक है तो जैसे कि एक तरह से कहता है जैसे जैसे कि शक्तिमान ऐसे रुकता था रेजिस्टेंस, नहीं मैं आगे शक्ति को नहीं जाने दूंगा, ऐसे होता है आपका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा, ठीक है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देता। ठीक है तो इसी की वजह से आपके हर एक वायर में करंट पास नहीं होता है, ठीक है जो आपके इंसुलेटर लकड़ी वगैरह होती है उनमें आपका करंट पास में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उनमें। ठीक है आपके कुछ वायर ऐसे हैं जिनमें आपका एज अ करंट बहुत अच्छे से पास होता है, रेजिस्टेंस होता है नहीं उनमें। ठीक है तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर हम लोग आज अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बात करते हैं। ठीक है तो पहला फैक्टर हमारा बच्चों क्या, लेंथ ऑफ वायर, क्या हमारे पास लेंथ ऑफ वायर। तो आप देखना जितना ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतना ज्यादा उसमें बच्चों क्या होगा, कॉलिजन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वायर यानी कि मोर लेंथ ऑफ वायर, मोर लेंथ ऑफ वायर, अगर वायर की ज्यादा लेंथ होगी तो क्या होगा बच्चों, मोर लेंथ ऑफ वायर तो मोर नंबर ऑफ कॉलिजन, यानी कि मोर यानी कि हम कह सकते हैं इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलिजन, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलिजन बच्चों, कॉलिजन इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है
अब कॉलिजन इतना होगा तो कॉलिजन उतना होगा तो मोर देन इनक्रीज नंबर ऑफ कॉलिजन, तो अब बच्चों और क्या होता है इंक्रीज द रेजिस्टेंस, बच्चों उतना ज्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस, तो बच्चों इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ कॉलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इन विच हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर द इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, बच्चों बोल सकते हैं ठीक है लेंथ ऑफ वायर, तो जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा रेजिस्टेंस। इसलिए हम लोग पता है, इसलिए हम लोग पता है ज्यादा दूर से अगर आप अगर कहीं अच्छा मान चलो आपने 2 किलोमीटर दूर से अगर आप है वायर करके खींच के लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए करंट के लिए, इसके घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो बच्चों जितनी आप दूर से लेके आओगे उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी जो लाइट होगी वो जाएगी आएगी आएगी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंटरप्शन आता है बच्चों है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ हो जाती है बच्चों वायर की उतना ज्यादा क्या जाता है वहां पर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते हैं बच्चों, जिसकी वजह से आपका हिंड्रेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाते मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अब दूसरा फैक्टर बच्चों एरिया ऑफ वायर, तो हमें बहुत अच्छे से पता है एरिया ऑफ वायर विच आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बच्चा मेरे कैसे होगा एरिया ऑफ वायर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा ये वायर का जितना ज्यादा एरिया होगा बच्चों जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम बच्चों रेजिस्टेंस होगा, क्यों, क्योंकि उसको स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा है ना, यानी हम कह सकते हैं एक मोटे वायर में आपका करंट अच्छे से पास होगा एक पतले वायर की अपेक्षा, क्यों ऐसा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव कर पाएंगे है ना, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा करंट अच्छे से पास होगा, जितना कम एरिया होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हो जाता है बच्चों है ना। तीसरे पर आते हैं बच्चों नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर कैसे बच्चों तीन तरह के नेचर होते हैं वायर के, एक बच्चों कैसा होता है हमारा कंडक्टर, कैसा होता है कंडक्टर होगा हमारा, ठीक है पहला, एक बच्चों होगा हमारा सेमी कंडक्टर, कैसा होगा सेमी कंडक्टर, ठीक है तीसरा बच्चों कौन सा होगा हमारा इंसुलेटर, कौन सा होगा इंसुलेटर, तो तीन तरह के वायर हो सकते हैं हमारे पास बच्चों। जो कंडक्टर होते हैं आपके, जो कंडक्टर होते हैं उनमें आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होता, नहीं हम कह सकते हैं निल रेजिस्टेंस, क्या होता है निल रेजिस्टेंस, अब निल रेजिस्टेंस होगा तो बच्चों करंट अच्छा पास होगा इनमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपके जो कंडक्टर होते हैं आपके डायरेक्ट जो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके किसके रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो कंडक्टर में आपका निल रेजिस्टेंस होता है आपका, इसमें बच्चों आपका मीडियम कैसा रेजिस्टेंस होगा मीडियम रेजिस्टेंस होगा बच्चों आपका, और इसमें आपका अरे भाई 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 मैक्सिमम रेजिस्टेंस बच्चों, कैसा रेजिस्टेंस होगा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है बच्चों इसके अंदर, ठीक है सबसे ज्यादा है ना। अब हम लोग आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ का जो आपका रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, तो बच्चों देखो सुनो ये बच्चों आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैसा होता है जो टेम्परेचर होता है बच्चों आपका विच आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कैसे ऐसे कैसे, तो बच्चों जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वहां पर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, क्यों भाई कि जैसे कि मान के चलो ये वायर है ठीक है और इसके नीचे बच्चों जल रही है क्या आग, क्या जल रही है इसके नीचे आग चल रही है ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं बच्चों, क्या निकल के जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ना। अब ये बच्चों टेम्परेचर ऐसे बढ़ता है वायर का, क्या बढ़ता है वायर का टेम्परेचर, जैसे जैसे वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, क्या क्रिएट हो जाएगा हिंड्रेंस बच्चों, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे का तो इलेक्ट्रॉन्स इसे ऐसे वाइब्रेट कर लेंगे हिलने ले जाएंगे इसे, जैसे कि आपने आप पानी को गर्म करते हो गैस पे तो पानी के अंदर उबाल आता है ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके हिलने लग जाते हैं ना, एज इट इज हिंड्रेंस क्रिएट करने लग जाते हैं। तो आप मान के चलो अगर कहीं पर कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही है बहुत ज्यादा उस जगह पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, वहां चलने की तो बहुत दूर की बात है, आप वहां खड़े नहीं हो सकते हो, चलना तो बहुत दूर की बात है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कैसे कर रहे हैं बेचारे, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है नीचे से कि वो बेचारे है क्या हिंड्रेंस कर रहे हैं आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ने की जगह कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं ठीक है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ वायर यानी कि जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको मूव ही नहीं कर पाते, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है उनके बीच में ठीक है। तो बच्चों हमने चारों फैक्टर्स पढ़ लिए ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने अपना पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया बच्चों, पार्ट 6 हम लोग जल्दी अपलोड करते हैं ठीक है बच्चों, हमारा जितना भी हो सके आप लोग पूरा पूरा जितना हो सके कंप्लीट देखें और वीडियो को शेयर करें। और बच्चों हाँ इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बच्चों कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर देना, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं देते बच्चों, रिप्लाई जरूर दें ठीक है बच्चों। तो आज मैं पूछूंगा आपके कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बच्चों है ना, तो थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों वेलकम टू ऑल ऑन द चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी, सो बच्चों ले आए आज आपके लिए पार्ट 6 जिसमें मैं बच्चों बताऊंगा आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी में आज जो टॉपिक कवर करने वाले बच्चों हम वो हम आज कवर करेंगे क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों, क्या पढ़ाएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है ठीक है। तो लेट्स सी चलो देख लेते हैं, तो बच्चों क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो देखो सुनो अगर आप लोग स्टार्ट करते हो इस चीज को तो बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि देखो सुनो आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है बच्चों क्या है, क्या रहा है आपसे डिफाइन में, इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं बच्चों रेजिस्टेंस की मेजर करते हैं, जिसमें आपका वायर है जो आपका कितना लेंथ है बच्चों की 1 मीटर लेंथ है,
वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका जो स्क्वायर एरिया वो कितना 1 मीटर है। बात समझने में ही बात, यानी कि उसका जो वायर है उसका एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसका, और उसका जो आपकी वायर की लेंथ है बच्चों वो लेंथ कितनी है, लेंथ भी कितनी है 1 मीटर बच्चों, कितनी है 1 मीटर। तो पहली बात तो फिर डिफरेंस क्या हो गया अगर आप रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं उसमें, तो बच्चों डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो बच्चों होता है आपका वो आपका पर्टिकुलर ओवरऑल वायर का होता है, किसका होता है ओवरऑल वायर का, ठीक है, यानी कि कंप्लीट वायर का अगर आप निकाल रहे हो तो बच्चों हम लोग उसके क्या क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात आती है तो बच्चों स्पेसिफिक का मतलब है एक पर्टिकुलर जगह का, एक पर्टिकुलर स्पेस का, है ना, यानी कि वायर का वो एरिया वो स्पेसिफिक जगह है जहां का रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, ठीक है बच्चों। और रेजिस्टेंस तो बच्चों कंप्लीट वायर का होता है, ठीक है। तो कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रहकर डिफाइन तो सेम लिखी हुई है, हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है और रेजिस्टेंस ये होता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस आपका कंप्लीट वायर का होता है और उस वायर में एक स्पेसिफिक जगह का अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो बच्चों वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ आ गई बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो आप बच्चों ध्यान से देखना, देखो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला कैसे इसका बनेगा बच्चों, तो ध्यान से देखो आप लोग, तो देखो है ना, हमें पता है ये किस चीज़ पर डिपेंड है बच्चों, एक तो डिपेंड है किस पर, लेंथ पर। तो हमें ये बात बहुत अच्छा पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है विच आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरे में क्या कह रहा है बच्चों एरिया, तो रेजिस्टेंस विच आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन फर्स्ट बनी आपकी, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बच्चों अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप अपना आएगा लास्ट लेक्चर, जो मेरा लास्ट पार्ट है आपका, आप उसमें जाके देख सकते हो पार्ट 4 में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि विच आर द फैक्टर्स जिन पे आपका डिपेंड करते हैं बच्चों क्या रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स में आता है आपका बच्चों लेंथ ऑफ वायर और एरिया। तो बच्चों एरिया विच आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा बच्चों, है ना, एंड रेजिस्टेंस आर द इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस बच्चों उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट ऑफ बोथ इक्वेशन, इक्वेट ऑफ बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे बच्चों इक्वेट करेंगे, इक्वेट ऑफ बोथ इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेट करोगे आप लोग तो इनवर्सली साइन लेंथ अपॉन एरिया ये निकलेगा आपका, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन आप बच्चों जब भी हटाओगे तो आपको क्या लेनी पड़ती है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या लेनी पड़ेगी कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो बच्चों क्या आएगा, एक पी ऐसा स्ट्रक्चर, जो पी होता है आपका पी हल्का सा फोल्डेड रहता है बच्चों, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, एक वो स्ट्रक्चर आ जाएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो पी ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों क्या कहलाता है हम लोग, रो, क्या बोलते हैं उसको, रो, आर एच ओ, क्या बोलते हैं उसको, रो बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन के आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बच्चों, किसका बन के आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। और रो यहाँ पे क्या बच्चों, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही तो है, रो हमारी क्या है, रो क्या है बच्चों आपकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों आप लोग रो को बाहर निकालोगे तो मैं इसको क्रॉस मतलब करके नीचे ले आ रहा हूँ, है ना, या फिर यही बना दे रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखना, आप इसको उधर लेके आओगे तो बच्चों रो एल आर इंटू ए, ठीक है, रो को यहीं रखोगे तो R इंटू ए अपॉन बच्चों क्या जाएगा लेंथ। तो ये बन गया बच्चों अपना किसका फॉर्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, आई होप कि आ गई होगी, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सीख लिया हमने। अब हम क्या देखने वाले बच्चों, रेजिस्टेंस कैन बी पुट इन अ सर्किट इन अ टू वेज। आप रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में अगर रखते हो तो उसके दो वे बनते हैं बच्चों, एक कौन सा वे बनता है बच्चों, एक बनेगा कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा कौन सा बन सकता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। बच्चों ध्यान से सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही वायर है आपका और उस एक ही वायर से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेंसेज को कनेक्ट कर रखा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, एक ही वायर से आपने क्या कर रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेंसेज को कनेक्ट कर रखा है बच्चों, वो होता है आपका सीरीज, है ना। पैरेलल का मतलब है कि एक वायर को आपने डिवाइड कर लिया है ना, दो या दो से ज्यादा चार वायरों में, ठीक है, देन आप उसमें अपने अपने एपिलेंसेज चला रहे हो, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है बच्चों, लॉस क्या है, है ना, तो फायदा लॉस देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों फायदा क्या है, उसका लॉस क्या है, तो मैं हल्का सा इसको पहले रफ कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये लिख लिया आपने, इसको जो ले लिया आपने आयो, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, देखो
देखो सीरीज का अगर हम लोग देखोगे किसकी बात करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं हम पहले, है ना। तो इसमें जो बच्चों आपका वायर होगा वो कुछ इस तरीके से अरेंज होगा, जैसे आपके हम कह सकते हैं यहाँ पे तीन पॉइंट आपके सर्किट के, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपकी बैटरी कनेक्टेड होगी, ठीक है। पहला बच्चों देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, ठीक है, जिसमें आपका आपका जो करंट है बच्चों, जो करंट है आपका वो बच्चों आपका क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, आर वन आर टू आर थ्री, बच्चों करंट क्या रहेगा, सेम आई आई आई, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों इतना, है ना। और इसका वोल्टेज क्या रहता है बच्चों, डिफरेंट रहता है, वी वन वी टू वी थ्री, ठीक है, वोल्टेज क्या रहते हैं डिफरेंट। तो यही तो लॉस है सीरीज कनेक्शन में, ये तो लॉस है बच्चों। आपके घरों में जो डोमेस्टिक पर्पज से, यानी कि जितने भी घर होते हैं आपके जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है बच्चों, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी नहीं करते हम लोग। क्यों नहीं करते हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो आप लोग, है ना, यानी कि जैसे जैसे आपकी चीज ज्यादा अप्लायंसेस आप कनेक्ट करते जाओगे, आपने पंखा कूलर वगैरह जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, करंट तो सेम रहता है लेकिन बच्चों वोल्टेज का चेंज आ जाता है। किसका चेंज आता है, वोल्टेज का। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो आपके रूम में, आपके घर में, जैसे मान चलो एक ये रूम है, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, ठीक है, इसके मैं पहले डीमेरिट्स बता दूं आपको, इसका घाटे क्या है। अगर आप सीरीज में अगर आप घर में कनेक्शन करते हो क्या लॉस है इसका, तो बच्चों ध्यान से देखो, देखो यहाँ से मान के चलो 10 वोल्ट की बैटरी जा रही थी, ठीक है, 10 वोल्ट या फिर हम कह रहे हैं 10 वाट की पावर से हम लोग एनर्जी दे रहे थे, है ना। तो आप ये सोचो कि इस रूम में जो आपकी एज इट इज जो आपकी 10 वोल्ट की जो बैटरी आप दे रहे हो या चार्ज दे रहे हो, वो आपके फोर्थ रूम में भी इतनी रहे, नहीं बेटा इतनी नहीं रहेगी, वो कम होती चली जाएगी, इसमें 8 रह जाएगी, इसमें 6 रह जाएगी, इसमें बच्चों कितनी रहेगी, 4। तो बच्चों क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। यही कारण है कि आप हमें कभी, हम लोग कभी भी अगर सीरीज में कनेक्शन नहीं करते बच्चों, सीरीज में घरों में कनेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि कहीं पर आपके क्या होगा, कहीं पर क्या होगा, आपकी लाइट कम आ रही होगी, कहीं पर लाइट क्या आ रही है बच्चों, फास्ट आ रही होगी, है ना। तो कहीं पर तेज, कहीं पर कम, कहीं पर तेज, कहीं पर ज्यादा, तो कुछ इस तरीके का कनेक्शन रहता है बच्चों सीरीज में आपका, है ना। इसलिए हम लोग घरों में कभी भी सीरीज कनेक्शन नहीं करते बच्चों, ठीक है। तो सीरीज का समझ में आ गया आप लोगों को कि सीरीज में हम लोग कैसे कनेक्टेड करते हैं, कैसे नहीं करते, आगे समझ में, अब बैठ जाओ, ये चल रहा है चैप्टर, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बच्चों सीरीज का कनेक्शन क्या होता है, जिसमें आपका क्या रहता है, जिसमें आपके क्या रहते हैं, आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम क्या रहता है, आपका करंट सेम रहता है, बट जो वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहते हैं, वोल्टेज क्या रहते हैं, डिफरेंट, ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो वोल्टेज चेंज हो जाने की वजह से बच्चों प्रॉपर लाइट नहीं पहुंचेगी हर रूम में, और प्रॉपर लाइट नहीं पहुंचेगी तो पता चलेगा इस वाले रूम में अगर बल्ब जल रहा है अच्छा खासा और बगल रूम में नहीं जल रहा है ना, तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इस जगह पर, ठीक है। पता चला किसी घर में अगर बंटवारा हो चुका है, क्या हो चुका है, किसी घर में बंटवारा हो चुका है, और जो घर में कनेक्शन है वो सीरीज में है, ठीक है। अब बंटवारा हो चुका है तो आधे घर में है, मतलब एक भैया के पास है, दूसरा घर किसी दूसरे के पास है, ठीक है। अब सीरीज का जो कनेक्शन है वो पहले आएगा एक के पास होते हुए जा रहा है दूसरे के पास, तो पता चले कि अगर दूसरे के घर में लाइट कम आ रही है और फर्स्ट वाले के घर में लाइट पूरी आ रही है, वो तो लड़ाई होगी, होगी नहीं होगी, शायद इसीलिए सीरीज कनेक्शन नहीं करते हम लोग, है ना। इसीलिए हम लोग कैसा कनेक्शन नहीं करते, सीरीज कनेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जैसे जैसे आप जितने अप्लायंसेस से जोड़ते चले जाओगे बच्चों, लाइट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि वोल्टेज बच्चों कम होते चले जाते हैं, ठीक है, सीरीज कनेक्शन में, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है बट वोल्टेज बच्चों क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, तो इसका लॉस है। दूसरा घाटा क्या है बच्चों, सेकंड घाटा ये है कि अगर मान के चलो इस वाले रूम में अगर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, इस वाले घर में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया इस वाले रूम में, ठीक है, तो यहाँ के वायर कट गया, अब यहाँ का वायर अगर कट गया तो बच्चों आगे लाइट नहीं जाएगी, पूरे घर में बत्ती गुल यानी कि कहने का मतलब है कि अगर शॉर्ट सर्किट आपके पूरे घर में किसी भी कॉर्नर में कहीं पर भी अगर छोटा मोटा भी हो गया तो आपके पूरे घर की लाइट चली जाएगी, क्यों, क्योंकि बच्चों एक ही वायर से कनेक्टेड है, सब सबके सब किससे कनेक्टेड है, एक ही वायर से, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैनल में इसका फायदा होगा, अगर एक जगह की शॉर्ट सर्किट हुआ तो बच्चों वहीं की लाइट जाएगी, पूरे घर की लाइट आपकी नहीं जाएगी, ये फायदा है इसका पैनल का, ठीक है। और सीरीज का क्या है, घाटा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो सीरीज मैंने आपको बता दी कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, अगर हम पैनल की बात करें, किसकी बात करूँ मैं आपसे, पैनल की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों पैनल में कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होगा। पैनल का मतलब होता है कि रेल की पटरियाँ, जस्ट लाइक रेल की पटरियाँ, ठीक है। तो बच्चों देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो R1 रेजिस्टेंस, R2 R3, ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका वोल्टेज सेम रहेंगे, क्या सेम रहेंगे, वोल्टेज V V V, बट आपका करंट क्या रहेगा, चेंज I1 I2 और I3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ का इसका फायदा यही है, वोल्टेज सेम रहेंगे, वोल्टेज सेम का मतलब है कि अगर एक वाले रूम में का लाइट अगर जितनी आ रही है उतनी लाइट बच्चों बगल वाले में आएगी, या फिर तो दोनों में नहीं आएगी, या दोनों में बराबर आएगी, या दोनों में कम आएगी, या दोनों में तेज आएगी, ये नहीं है कि एक में ज़्यादा और एक में कम।
दूसरा फायदा, अगर मान के चलो इस वाले रूम में अगर शॉर्ट सर्किट हो भी गया है तो बच्चों सिर्फ यहीं की लाइट जाएगी, बाकी के तो तीन वायर अलग अलग है ना, दोनों बाकी के दोनों रूमों में क्या आएगी, प्रॉपर लाइट आएगी, ठीक है। तो दूसरा फायदा ये भी है पैनल का। इसलिए बच्चों हम लोग जितने भी डोमेस्टिक हमारे घरों में जो लाइट फिटिंग होती है बच्चों पैनल में होती है, सीरीज में हम लोग कभी नहीं करवाते, हम लोग किसमें करवाते हैं पैनल में, जिससे कि लाइट प्रॉपर जाए बच्चों, है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैनल कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, इनकी डिफाइनर दे रखी है तो देखो साफ से सुनना, इन सीरीज में बच्चों क्या होता है, करंट रिमेन कांस्टेंट, जो करंट है आपका बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है, जबकि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो करंट मैंने बताया बच्चों आई क्या है, सेम है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है बच्चों पे क्या होती है आपकी, चेंज होती है, ठीक है। ऐसी आप अगर आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन देखोगे तो इन पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी, ठीक है, लेकिन करंट बच्चों क्या होता है, चेंज। तो दोनों में क्या एक दूसरे के उल्टा दे रखा है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों को रेजिस्टेंस क्लियर हुआ, क्या मेरे प्यारे बच्चों को आपका करंट, क्या मेरे प्यारे बच्चों को पैरेलल और सीरीज क्लियर हो गया, आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, आपके सामने आती है ड्राइव, बच्चों ड्राइव करके दिखा देते हैं आपको, लास्ट आपका देन आपका जो चैप्टर आपका यहीं क्या जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक ड्राइव करके दे देते हैं आपको, तो बच्चों ड्राइव में क्या कह रहा है वो आपसे, ड्राइव एक्सप्रेशन, आपको ड्राइव करना है क्या, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कब, व्हेन डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, जब आपका डिफरेंट टाइप का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड होगा बच्चों किसमें, सीरीज में। तो करके देख लेते हैं, जैसे कि ये बंदा कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट रेजिस्टेंस है एक सीरीज में, ठीक है, दो तीन और एक चार का ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये किसमें कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, R1 R2 R3 R4, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हमारा डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर हम सीरीज की बात करें तो बच्चों हमारा जो करंट है वो बच्चों क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम। तो I और डिफर क्या रहता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 और V4 यही रहता है बच्चों, है ना। तो ये बात समझ आएगी मेरे पैर पर बच्चों को, ठीक है। अब देखो निकालोगे कैसे आप लोग, तो बच्चों जो चीज़ डिफरेंट होती है हम लोग उसी से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, तो बच्चों देखो अगर आप इसको निकालोगे, फॉर्मूला हमारे पास ओम्स लॉ का क्या होता है, V=IR बच्चों, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, V=IR होता है हमारे पास, है ना। तो हम लोग अगर वी से निकालेंगे तो बच्चों वी क्या आपका, V=V1+V2+V3, क्या अच्छी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, है ना। अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो V=V1 की जगह पर बच्चों V बराबर क्या रखा है, IR, तो V1 की जगह पर क्या आएगा बच्चों, I तो रिमेन सेम है, IR1+IR2+IR3, अच्छा मैंने यहाँ पे 4 लिए हैं तो V4 और ले लो, ठीक है, प्लस IR4 क्या अच्छी सी बात समझ में आ गई, है ना। अब आपको दिख रहा है साफ साफ बच्चों, आई क्या सेम है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो V=I कॉमन ले लिया, क्या आ गया, R1 R2 R3 प्लस R4, क्या तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों का, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा बस आपका क्या रह गया, आप अगर आप इसको सॉल्व आउट करना चाहो तो आपका यहाँ से तो पूरा सॉल्व हो ही गया आपका, ठीक है, R1 R2 प्लस R3, है ना, आपने ओवरऑल कहीं तो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो V=I क्या होता है आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा अब आप इसको क्रॉस मिलकर नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, V/I क्या हो जाएगा, V/I=R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, R4। अच्छा V/I क्या होता है, V=IR फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, तो R=I क्या जाएगा, V/I। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या जाएगा, R=I क्या जाएगा, V/I, यही होता है, R=V/I, तो V/I की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, R, तो R=I क्या हो गया बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये बच्चों हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये बच्चों हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया, सीरीज का, किसका निकाल लिया, सीरीज का, ठीक है। अब किसका निकालेंगे बच्चों, पैरेलल का, तो मेरे पैरेलल बच्चों कितना हो गया, इसके चलो ले लो फटाफट से, ठीक है, फिर पैरेलल का निकालते हैं, ले लिया, चलो अब पैरेलल का निकाल लेते हैं बच्चों, है ना, चलो पैरेलल का निकाल लेते हैं। आई होप कि तुम लोगों का क्लियर हो गया होगा बच्चों, जिसका क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को रिपीट करके बच्चों आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कनेक्टेड इन सीरीज की जगह पे कर देता हूँ बच्चों, क्या, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब क्या है इसका, कि आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक दो तीन ही ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है,
देखो तो आपको पता है पैरेलल में देखो क्या सेम रहता है और क्या चेंज रहता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था आर वन आर टू आर थ्री रेजिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, प्लस आपका जो करंट है बच्चों वो क्या होगा चेंज आई वन आई टू और आई थ्री सेम क्या रहेगा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस वी वी और वी। समझ में आ गई थी इसी बात। तो बच्चों चेंज क्या है करंट है, तो वहाँ पे आपका वोल्टेज डिफरेंट था तो हमने वोल्टेज से निकाला था, यहाँ पे करंट चेंज है तो करंट से निकालेंगे तो आई बराबर बच्चों क्या होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हम लोग कर सकते हैं है ना। तो आई बराबर क्या होता है बच्चों अब फॉर्मूला का निकाल दो आप लोग तो आपको पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। भाई आई को बाहर निकालोगे तो वी आपका कहाँ चलाएगा ऊपर आर कहाँ चलाएगा नीचे, बस रख दो वैल्यू। तो आई की जगह पे क्या है वी अपॉन आर कर दो वी अपॉन आर, ठीक है एक प्लस वोल्टेज तो सेम रहता है तो वी अपॉन आर वन इक्वल है यहाँ पे, ठीक है प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री जो सेम है उसको बाहर ले लो, सेम क्या है वी सेम है बच्चों आपकी, ठीक है तो वी अपॉन आर इजिकल टू क्या जाएगा वी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री बच्चों वी से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनल डिसीजन आपका निकल आएगा वन अपॉन आर इजिकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये बच्चों हो गया आपका इन पैरेलल, ये फॉर्मूला किसका बन गया है ना पैरेलल का इन पैरेलल हैंस प्रूव्ड, ठीक है इसकी सो ले लो बराबर से ले लिया। चलो देखो बच्चों तो हमने अपना सीरीज में देख लिया ड्राइव करके, ठीक है हमने पैरेलल में ड्राइव करके देख लिया बच्चों कंप्लीट चैप्टर हमका कहीं तक तो फिनिश हो गया है, ठीक है बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखो कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो जिससे क्या होगा मोर देन बच्चों के पास पहुंचे। और हाँ बच्चों मैं इसके नोट्स आपको एक वीडियो के जरिए और प्लस उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बच्चों जितना हो सके पास वीडियो को शेयर करें। हेलो बच्चों वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए आज आपके लिए क्या बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट फिनिश हो चुका है, आज कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा मैं उस पर बेस्ड और बच्चों एक अलग पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करा के दिखाएंगे बच्चों, ठीक है तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो कि आपके हो सकता है आपके इससे रिगार्डिंग आपके जो न्यूमेरिकल्स बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी अपियर हो सकते हैं, ठीक है तो कुछ दो न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए बहुत ढूंढ के लेके आया हूं बच्चों ध्यान से देखना कि किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों देखो सुनो पहला न्यूमेरिकल आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो आपसे क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, ये आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी आपके पास क्या बच्चों एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, ठीक है इज रेटेड उसकी बच्चों पावर कितनी रखी है 1000 वॉट, वोल्ट कितने हैं 200 वोल्ट कैलकुलेटेड। क्या कैलकुलेट करना बच्चों क्या क्या बताना है देखो सुनो एक मोटर है फिर से सुनना ध्यान से एक मोटर है उसकी पावर दे रखी है 1000 वॉट कितनी दे रखी है 1000 वॉट, वोल्ट कितने रखा है 200 वॉट। बच्चों आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है तो सबसे पहले आपको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट कि उस एलिमेंट पर रेजिस्टेंस कितना लगेगा जिस मोटर की पावर आपकी कितनी है 1000 और वोल्ट कितना जा रहा है आपके 200 वॉट, आप बताओ रेजिस्टेंस कितना लगेगा उसमें, ठीक है तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों आपका रेजिस्टेंस के लिए जो आपका एज आपका दे रखा है फॉर्मूला बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है हमें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है रेजिस्टेंस निकालोगे तो बच्चों पी का चले जाएगी नीचे, ठीक है पी का चले जाएगा आर की जगह पे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी है ना। वैल्यू पुट कर दो वी पावर कितनी रखी है बच्चों वोल्ट कितना रहेगा 200 और स्क्वायर लगा हुआ तो 200 into 200, ठीक है पावर कितनी है 1000 डिवाइड कर दिया बच्चों है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे दो जीरो से ये गए ठीक है एक जीरो से ये गया तो 20 into 2 बच्चा आपका कितना जाएगा बच्चों 40 ओम। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा पहला आंसर आ गया इस जगह पे हम कह सकते हैं अगर आपकी जो एज इट इज आपकी जो क्या मोटर है उसकी पावर अगर आपकी 1000 है वोल्टेज अगर 200 वॉट है आप में तो उसका रेजिस्टेंस बच्चों कितना होगा 40 ओम यानी कि 40 ओम कितना होगा 40 ओम। पहला आंसर निकल आया चलो दूसरे पर आते हैं बच्चों दूसरा आंसर क्या कह रहा सुनो ये क्या कह रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ हाफ एन आवर इन जूल। आपको बताना है कि पावर इतनी है वोल्ट इतनी है तो बैटरी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी कितने टाइम में हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे में बैटरी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी और बच्चों जूल में बताना है किसे बताना है जूल में। तो देखो सुनो एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एनपीटी ठीक है आपका। तो चलो कर लेते हैं हम लोग एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी बच्चों तो हम देखो एनर्जी के हो गया आपका एन बच्चों क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ काउंटिंग आपकी कितनी हो रही है ठीक है तो बच्चों हमने वन ले लिया कितना ले लिया वन अच्छा पी कितना बच्चों पावर आपकी क्या आपकी पावर कितनी रखी है बच्चों 1000 ठीक है
टाइम क्या दे रखा है, हाफ एन आवर, आधा लगा दिया हमने, है ना। आप इसको दो से डिवाइड करोगे कितना जाएगा बच्चों, 500, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी निकल गई बच्चों कितनी निकला है, 500 हावर, वॉट हावर निकला, लेकिन हमें तो किसमें चाहिए, जूल में चाहिए। तो जूल में कन्वर्ट करने से पहले बच्चों पहले किसमें करना पड़ेगा, किलो वॉट हावर में, किसमें कन्वर्ट करेगा, किलो वॉट हावर में। तो किलो वॉट हावर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, अब 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो बच्चों आपके पास जो आएगा वो कितना निकला आएगा, 5 से डिवाइड किया हाफ, तो क्या निकला आया बच्चों आपका हाफ किलो वॉट हावर, कितना निकल के आया हाफ किलो वॉट हावर। अब किलो वॉट हावर को आप लोग एनर्जी में कैसे चेंज करोगे या फिर हम कहते हैं जूल में कैसे चेंज करोगे, तो बच्चों हमें पता है 1 किलो वॉट हावर में 3.6 × 10⁻⁶ क्या 6 क्या होता है, जूल होते हैं बच्चों, ध्यान सुनना, 1 किलो वॉट हावर में बच्चों क्या होता है 3.6 × 10⁻⁶ क्या होते हैं, जूल होते हैं। तो हाफ में कितने होंगे बच्चों, इंटू कर दो हाफ में 3.6 × 10⁻⁶ का इंटू कर दिया हमने, जब आप इसका इंटू करोगे तो बच्चों सुनो ध्यान से, इसको आप दो से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 1.8, कितना हो गया 1.8। तो आपके पास क्या निकल आया एनर्जी, यानी कि जूल में कितनी निकली बच्चों आपकी 1.8 × 10⁶ जूल। तो हम कह सकते हैं कि हाफ एन आवर में जो हमारी बैटरी की पावर इतनी होगी, वोल्ट इतना होगा, तो बच्चों उसमें जो एनर्जी लगेगी बच्चों जूल में वो कितनी लगेगी, 1.8 × 10⁶ जूल एनर्जी का होगी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया ये बात, अच्छा सी में क्या कह रहा है बच्चों आपसे, वो द टाइम इन विच इट विल कंज्यूम, कितना टाइम लगेगा जब एनर्जी कितनी हो बच्चों 15 किलो वाट आवर हो, कितनी हो 15 किलो वाट आवर। तो बच्चों टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा, ठीक है, जब आपकी आपकी जो आपकी मोटर है वो इतनी है, ये वोल्ट है उसमें, और उसमें आपका आपका जो एनर्जी है वो बच्चों इतनी लगा रहे हो, तो बच्चों टाइम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आप जो सेम दो यहीं पर अप्लाई करोगे, इक्वल टू एनपीटी, ई की वैल्यू रख दिया आपने, जब आप कितना ले रहे हो 15 ले रहे हो, ठीक है, 1 लगा दिया, 1000 पावर टाइम निकालना बच्चों हमें, और हमें किसमें कनेक्ट करना बच्चों आपका, हमारा जो वॉट हावर दे रखा है ना, किलो वॉट हावर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया 1000 क्या कर दिया डिवाइड कर दिया नीचे, इससे ये गया, अब 1 का इंटू 15 होगा तो बच्चों 1 ही आपका 15 नहीं आएगा, तो टाइम कितना निकला बच्चों 15 आवर, कितना निकला 15 आवर, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इन तीनों को सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो इस तरीके से बेस्ड आपकी एनर्जी पर या पावर पर बेस्ड बच्चों कुछ न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रिसिटी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल एक और लेके आए हम लोग, हमारे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो आपका वायर है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उसकी लेंथ दे रखी है बच्चों, कितनी रखी है लेंथ, यानी कि लेंथ क्या दे रखी है बच्चों 80 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 80 सेंटीमीटर। पहले बच्चों आप लोग वैल्यू निकालना सीख लो, ठीक है, आपको पहले सुनो, मोस्टली क्या होता है बच्चों थोड़ा सा डर जाते हैं इस चीज़ को देख के, ठीक है, नहीं आपको सबसे पहले क्या देखनी, पहले वैल्यू निकालो, आप निकाल पा रहे नहीं निकाल पा रहे उसकी पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद आपका न्यूमेरिकल उतना ही ईजी जाएगा। नॉर्मली क्या है फिर आपके क्या, फिर तो फॉर्मूला पुट करो, देन योर कैलकुलेशन डिपेंड करता है फिर आपकी पे, और आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा लेंथ निकल आई हमारी, एंड यूनिफॉर्म एरिया, बच्चों क्या निकल आया, यूनिफॉर्म एरिया, एरिया निकल आया कितना बच्चों 0.025 सेंटीमीटर एरिया निकल आया मेरे प्यारे बच्चों का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्क्वायर इज फाउंड टू बी द 1.50 ओम, बच्चों ओम किसका है, रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस यूनिट होती है ओम की, तो 1.50 रेजिस्टेंस कितना निकल आया ओम, ठीक है 1.50। कैलकुलेट क्या करना बच्चों, ओहो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा अच्छा रो निकालना है, क्या निकालना है रो ऑफ वायर, ऐसा यूनिट भाई क्या बात है, तो रो की ऐसा यूनिट बच्चों क्या होती है, यही बता देते हैं ओम मीटर होती है, क्या होती है ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों ओम मीटर, तो ओम मीटर में निकालना हमें, इतनी से बात तो समझ आ गया हमें, कैसे निकालना है ओम मीटर में, चलो रख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ये था अपने पास फॉर्मूला, है ना, रो को बाहर निकालो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन लेंथ, क्योंकि हमें रो निकालना है, ठीक है फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने, अब रो की वैल्यू रख दो सारी चीज़ों की वैल्यू रख दो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आर, कितना दे रखा है 1.50 इंटू एरिया कितना रखा है बच्चों 0.025 डिवाइड बाय लेंथ कितनी रखी है बच्चों 80 सेंटीमीटर, इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से रो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, देखो पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो बच्चों देखो जहाँ से पॉइंट हटाओगे आप लोग, तो मैं यहाँ फिर से वैल्यू कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हो आप लोग तो मैं यहाँ पे करता हूँ आपका 1.50 है ना इंटू 0.025 है यहाँ पर, यहाँ पर बच्चों कितना 80 है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट अगर आप हटाते हो इस जगह से पॉइंट अगर हटाओगे तो देखो एक तीन संख्या बाद आपका दे रखा है 1, 2, 3, तो कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1, 2, 3, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बताओ दो संख्या बाद है तो 100 आपके यहाँ पे कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100, इतना समझ आ गया क्या, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो मैं पहले इसको चलो यही कर देते हैं, रो इज इक्वल टू आप यहाँ से हटा दो बच्चों कितना बचेगा 150 इंटू 25
डिवाइड बाय 18 इंटू 50 एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ये आ गया है ना। इस पूरे में जो बच्चों आप लोग सॉल्व आउट करोगे, तो सॉल्व आउट करने के बाद मैं आंसर लिख देना डायरेक्ट आपका। सॉल्व आउट करने के बाद बच्चों आपकी जो रो निकलेगा वो निकलेगा 0.000469, ठीक है ये निकलेगा बच्चों। बढ़िया, किस में निकला आपका? ओम सेंटीमीटर में। किस में निकला बच्चों आपका? ओम सेंटीमीटर में। हमें किस में चाहिए बच्चों? मीटर में चाहिए। किस में चाहिए? ओम मीटर, क्योंकि ऐसे यूनिट होती है बच्चों इसकी। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 0.000469 में ओम मीटर में करने के लिए बच्चों इसमें 100 का मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो अब किस में निकलेगा बच्चों आपका? ओम मीटर। तो 100 का डिवाइड कर दोगे तो आपका जो मेन आंसर होगा बच्चों वो मेन आंसर क्या निकलाएगा? 0.000050 आ जाएंगे प्लस 469 ओ मीटर। बच्चों ये क्या निकला है आपका आंसर? आंसर निकल आया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, है ना। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड होंगे इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों। कंप्लीट हमने चैप्टर आज का आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। प्लस जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि वीडियो शेयर तो करनी करनी है ये प्लीज आपको। प्लस हम लोग जिससे नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें बच्चों आपको मैं कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर, जो आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है बच्चों, उसका एक वन शॉट बना के अपलोड करेंगे, जिससे कि आप अगर उससे पहले आप लोग प्रॉमिस करोगे कि आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे कि हो सके कि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जब तक आए मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बच्चों। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखो, इसके नोट्स मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। बस आप एक काम करना मत भूलो, क्या? वीडियो को शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।